करने के बाद फिर उसका पेमेंट शेड्यूल इस तरह बनाना है कि वो इजीली चला सके। फिर उसके बाद आपको उसको टोकन की तरफ लेके जाना है और फिर बिल्डर को बेचना है कि वो पेमेंट शेड्यूल एक्सेप्ट करे। वो बिल्डर पेमेंट शेड्यूल एक्सेप्ट करेगा, फिर आगे प्रोसेस होगा पेमेंट लेने का, फाइल बनाने का। आप लोग जब साइट पे जाओगे तो टोकन और फाइल्स का फॉर्मेट देख लोगे, उसको गो थ्रू कर लो, उसको भरना कैसे है, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम बंदा घबराता है क्योंकि उसने देखी नहीं होती फाइल, वो तो वो क्लोजिंग ही नहीं, क्लोजिंग की तरफ ही नहीं जाता। और इसने हाँ बोल दिया तो मैं कैसे, मेरे को तो पता ही नहीं आगे का स्टेप, भरना कैसे, फॉर्म कैसे बनेगा, तो उसके चक्कर में पूछा ही नहीं, ठीक है सर बताइएगा सोच के। भाई वो रेडी है, चेक पकड़, चेक पकड़ो, फाइल बनाओ। अच्छा अब नेक्स्ट, क्लोजिंग हो गई, सही है, पूरी टोकन का हो गया, कंडीशनल हो गया, वो सारी चीज़ें। अब जब फाइल बन रही है उस टाइम पे आप मांगोगे रेफरल कि सर आपने ये फाइल बन गई, फाइल बन रही है आपकी नज़र में कोई है। अब फाइल बनाने का प्रोसेस 2 घंटे है, उस 2 घंटे में उसने दिमाग बना लिया है, चेक दे दिया है, चेक अकाउंट में चला गया है, आपका फाइल बनने का प्रोसेस है। उस टाइम पे आप मांगोगे रेफरल कि सर आपकी नज़र में कोई और है जो ये ख़रीद सकता है, क्योंकि अभी वो राइट टाइम क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वो आपकी सर्विस से खुश है। कस्टमर वापस से पेमेंट देने आता है, शुरू की 3-4 पेमेंट है, वो आपको ही आके देगा, आपसे ही हाल अहवाल पूछेगा, तो आपने उस टाइम पे रेफरल मांगना है।